आसिम रियाज के नए सॉन्ग जीने दो के बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया था कि बिग बॉस के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस, कई बड़े सेलिब्रिटी, इन सभी के बारे में उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए। ऐसे में आसिम रियाज पर हर किसी ने सवाल भी उठाए, लेकिन इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ पर कई आपको वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उन्हें पूरा करने की तो उनमें से कई वादे जो है पूरे कभी नहीं हो पाते। बहुत सारे जो उभरते हुए सितारे हैं इन सारी चीज़ों को वाकई में खुद भी फेस करते होंगे, और अब प्रतीक ने भी इस बात का खुलासा किया है। प्रतीक ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली और लिखा, जस्ट सॉ एन इंटरव्यू ऑफ आसिम रियाज वेयर ही इज स्टेटिंग सो मच फैक्ट्स, जीने दे सब कुछ सच एकदम। तो यहाँ पर उन्होंने जीने दे सॉन्ग के साथ साथ उस इंटरव्यू की भी बात की है, जिस इंटरव्यू की चर्चा काफी समय से हो रही है कि आसिम रियाज ने अपने इंटरव्यू में इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो अब एक बात तो साफ है कि अगर प्रतीक सहजपाल ये लिख रहे हैं कि ये एकदम सब कुछ सच एकदम, यानी कि वो यही बात कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वाकई में उनके साथ भी हो चुकी हैं या उनके साथ भी हो रही हैं, या फिर इस इंडस्ट्री में रहते हुए वो इस बात को जानते हैं कि कैसे झूठे वादे किए तो जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता।